आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश जागर जी को वो और सीट पर आए और सवालों के जवाब दिए। मुकेश जागर जी, मुकेश जी, इस कॉन्क्लेव में जो है, सबसे पहले आपका स्वागत है वायरल सच के इस कॉन्क्लेव में, जहां पर हम गुरुग्राम की बात करेंगे। आज कॉन्क्लेव में जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, विपक्ष की बात हो रही है, किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा कांग्रेस रख रही है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में अपना सिक्का जमा पाएगी? ये जो आज आरोप लग रहे हैं जी, हम तो हरियाणा में अभी चुनाव नहीं लड़े जी, और जो चुनाव लड़े हैं, जो सत्ता में, ये आरोप तो उन पे लग रहे हैं, और विपक्ष वाले लगा रहे हैं या उनके पक्ष वाले लगा रहे हैं, तो हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हम तो चुनाव लड़ने वाले हैं जी। तो आम आदमी पार्टी की तो बात हो रही है, जैसे बात हो रही है कि फ्री में क्यों दी जा रही है इनकम टैक्स, जो है टैक्स पेयर को क्या दिया जा रहा है? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जी, ये जो फ्री का शब्द आया है, ये भारतीय जनता पार्टी से आया जी, जबकि इसकी इस देश में फ्री में कुछ नहीं मिलता जी। आज जिसको हम फ्री कह रहे हैं जी, ये फैसिलिटीज हैं जी, और ये वो फैसिलिटीज हैं जो हम जनता को दे रहे हैं, जो सरकार को देनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देनी चाहिए जी। जहां जहां हमारी सरकार है, चाहे दिल्ली में है चाहे पंजाब में, वहां वहां ये फैसिलिटीज अप्रूव्ड है और ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, और ये फैसिलिटीज इसलिए मिल रही है कि जो टैक्स जनता देती है वही टैक्स की फैसिलिटी जनता को दी जाती है, जिसे भारतीय जनता पार्टी फ्री कहती है। परंतु जब हम यूरोप के अंदर जी जी, यूरोप के देशों में घूमते हैं तो यही सारी चीजें, सब चीजें फ्री मिलती हैं जिसको ये फ्री कहते हैं। ये उनकी टैक्स के बाद उनको जो दी गई फैसिलिटीज होती है, जो केजरीवाल साहब दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी से आप मेयर के लिए दावेदारी रख रहे हैं इस बार? नहीं, मेरी तरफ से कोई दावेदारी नहीं जी। पार्टी जो भी जिम्मेवारी लगाएगी जी, वो कहेगी चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ना है, उनका एक संगठन में काम करना है, संगठन में काम करना है। हम सिपाही हैं, जो काम देंगे जी जी, उसके लिए हम तैयार हैं। अभी क्या लगता है आपको कि किस तरीके से जो है काम होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहे हैं गुरुग्राम में? देखिए, गुड़गांव चार अलग अलग पार्टों में है जी, जहां एक तरफ हाई राइज बिल्डिंग है, एक तरफ गांव है जी, एक तरफ ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक तरफ हमारी कच्ची कॉलोनियां है जी जी। तो गुड़गांव को चार पार्टों में, चारों में विकसित करने की जरूरत है। हाई राइज के अलग मुद्दे हैं, और जो कॉलोनियां जो अनऑर्गेनाइज हैं उनके अलग मुद्दे हैं, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनके अलग आरडब्ल्यू के मुद्दे हैं, और जो स्लम एरिया, जो हमारा पूरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पुराने गुड़गांव में, जो स्लम एरिया में तब्दील होता जा रहा है। आप देखोगे हीरानगर, गांधीनगर, शक्ति नगर, ओम नगर, अर्जुन नगर, यहाँ पे पार्क ही नहीं है जी, और बहुत सी रास्ते तो ऐसे जा रहे हैं कि भी पेड़ ही नहीं है जी। तो इन एरियाओं को डेवलप करना है, वहां पुराने गुड़गांव के अंदर जो इस तरह की अनऑर्गेनाइज कॉलोनी है, तो ये आम आदमी पार्टी अगर आती है जी, तो आम आदमी पार्टी जो अनऑर्गेनाइज कॉलोनियां हैं उसमें जमीन एक्वायर करके वहां अच्छे से जो कॉलोनियां हैं उसमें अच्छे पार्क देने की, कम्युनिटी हॉल देने की, ये जो सारी, और यहाँ की जो पुराने गुड़गांव की जो सीवर लाइन है जी, इसकी अपग्रेड करना, और जो चार नाले, जो चार नाले यहाँ गुड़गांव से जो निकलते, एक सिरोन की तरफ से निकलता था, एक चार आठ मरले से होता हुआ निकलता था, एक खाटसा की तरफ से निकलता था, इन चारों नालों की सफाई की जरूरत है, और जिन पे कब्जा हो चुका है जी, उन ड्रेनों को दोबारा से इम्प्रूव करवाना है, ताकि ये रास्ता जाके बेरी वाले नाले में, ये जो नाले जाते थे उसमें जाके मिल जाए। और गुड़गांव में जो डूबने का भी कारण यही है, गुड़गांव का जो डूबने का कारण है उन नालों पे जो अवैध कब्जे हुए हैं जी, उनको हटवाने की जरूरत है, उनकी सिस्टम को दोबारा से, पुराने गुड़गांव सिस्टम को दोबारा से बनाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी जो है अपने कितने कैंडिडेट उतारेगी इस बार? आम आदमी पार्टी 40 के 40 जी, जितने भी हैं जी, उन पे सभी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी जी, और मजबूती से, केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे जी, जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे, और जीत निश्चित हो,
क्या अंदर खाते जो है काफी भारी मात्रा में जो है जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा? अभी हमें एक महीने पहले टास्क मिला था, 13 तारीख को हमारा टास्क स्टार्ट हुआ था हरियाणा के अंदर 10 लाख सदस्य बनाने का, और हमने अभी 4.5 लाख सदस्य हम उसमें बना चुके हैं और 10 तारीख तक हमारा टारगेट है हरियाणा के अंदर 10 लाख सदस्य बनाने का जी। तो इसके ऊपर पूरी कमान है। तो अब जो है इलेक्शन के लिए भी बात की जा रही है कि इलेक्शन आगे हो गए तो ये इसका जो है आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा या नुकसान होगा? मुझे बिल्कुल भी इसमें संकोच नहीं है जी। जहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं आगे कि चुनाव हम 1.5 महीने में करा देंगे जी, और विधायक कहता है कि मैं चुनाव हो नहीं पाएंगे, हमें तैयार नहीं है, हम अक्टूबर नवंबर में करेंगे जी, तो इनका आपस में समन्वय है नहीं। सीएम साहब भी कई बार ये कह चुके हैं कि हम जल्दी चुनाव करा रहे हैं और उन्होंने मई से पहले चुनाव कराने की कई बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं, और कल ही एक न्यूज छपी अखबारों में कि विधायक ने कहा है जी कि चुनाव अक्टूबर नवंबर तक संभव नहीं है। तो इनका आपस में समन्वय है नहीं। पर आम आदमी पार्टी तैयार है? आम आदमी पार्टी 1 साल पहले से तैयार है जी, और हमारी 1 साल पहले से हमारी तैयारियां हैं और पूरे अच्छे से हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।